है और कमर की चौड़ाई से परेशान है, तो किस किस को कमर कम करनी है ये बताओ पहले। वेस्ट का साइज बता दो कि कमर दर्द कब होता है, जब आपका वेस्ट का साइज मैक्सिमम, वैसे तो जो आइडियल फिगर होता है वो 28 होता है, और जो हमारे जैसे जैसे हमारी एज 55 है तो हम बिल्कुल यंग गर्ल्स की तो नहीं हो सकते, हमारा मैक्सिमम 30, और अगर आपका 30 से ऊपर है तो आपको बैक पेन, ये चौड़ाई जैसी बढ़ेगी यहां बैक पेन आएगा ही, और बैक पेन से बढ़ता बढ़ता शैटी का पेन आएगा ही आएगा। तो अपने कमर की साइज आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम 30-31 बस हाईएस्ट, हमारे जैसी हाइट है 5'4" के साथ 31 जोर मार के मैक्सिमम, उससे कम आपने क्या करना है वो आज आपको बताएंगे। तो उसके लिए पहले एकदम से नहीं बताऊंगी, पहले 3 वार्म अप एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, लेग स्विंग, ताकि आगे पीछे हमारी कमर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाइए। जहां आपका बैलेंस खराब होता है वहां जमीन पे पैर रखो, करो 10-10 बस बोलते रहो, 10 से 10 से 1, 2, 3, 4, 5, 34.5 ज्यादा है, 8, 9, 10 दूसरी तरफ से पलट जाओ उधर, हाँ अब चलो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज वार्म अप एक्सरसाइज, ठीक है, कमर का साइज सबको पता होना चाहिए अपना। अभी मैं नाप भी ले रही, नहीं तो पोल खुल जाएगी सबकी, पोल खुल जाएगी अभी सबकी, इसकी 32, 34, 35 है, तो इसलिए अपना मैं एक हफ्ते तक डेली बताऊंगी कमर की अलग अलग एक्सरसाइज, लेकिन उसके साथ जो मेन डाइट टिप होता है वो हमें लंच की कैलोरीज को थोड़ा कम लेना पड़ेगा। ये हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अगर 28 ज्यादा है तो आपको 7 बजे के बाद वो नहीं खाना, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज इसमें हम करेंगे, क्योंकि अभी जो हमने प्लैंक लगाने है उसके लिए हमारा ये बॉडी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, नहीं ये गोलाई नहीं, गोलाई में तो वो अलग है, ये एक ही लाइन है ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, बस जिनको पेन है वो ऐसे चलेगा सिंपल। इसमें पैर को और ऐसे उठाओ, 1 फिर वापस 2, 3, 4, 5, 6, बहुत ज्यादा पेन है तो आप ऐसे रख लो, और तीसरा नी अप रोटेशन, कमर को घुमाया क्योंकि इस चीज को हमें चारों तरफ से कम करना है। सांस का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी हम कोहनी को इससे टच करेंगे सांस को बाहर निकालेंगे, खास तौर से इस एक्सरसाइज में ध्यान रखिए। कुछ एक्सरसाइज में ब्रीथिंग का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्मल सांस है, सांस भरा और सांस छोड़ दिया, ठीक है। इसको भी आप कम से कम तीनों एक्सरसाइज को 40-50 टाइम्स करेंगे, फिर मेन वर्कआउट पे आ जाइए। उसमें हमने क्या करना है पहले देख लीजिए, दोनों पैरों में 1 फिट का गैप, एक हाथ कमर पर, राइट हैंड को मैक्सिमम उठाते हुए खींचते हुए ऊपर की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दूसरी तरफ से बोलो, 1, 2, 3, 4 और मैक्सिमम, ये कमर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, ये वास्तु ये थंबनेल होना चाहिए हमारा, 9, 10 वेस्ट ट्रिम को करने के लिए, हाँ। दूसरी तरफ से थोड़ा सा इधर हो जाओ, बस थोड़ा सा बॉडी को सीधा करो हल्का सा, अब आया जरा सा एंगल चेंज करते हैं, 4, 5, 6, 7 थोड़ा सा और पोस्चर सही होगा तुम्हारा, थोड़ा सा और सही होगा, बोलो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लगेगा यहां से कोई चीज उखड़ रही है, वो स्ट्रेच आपको फील देगा बिल्कुल। दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये फर्स्ट एक्सरसाइज, अभी इसको हम रैप्स बाद में करेंगे, पहले दो और बता दे, ठीक है। दूसरी है हमारी ट्विस्टिंग, तो जिनको
थोड़ा पेन है कमर में, वो तो सिंपल, अदरवाइज ये एक्सरसाइज कैसे होती है? दस दस सब बोलना शुरू करना, सिर्फ आप देखोगे। धीरे से सांस को बाहर निकालते हैं, जैसे वॉक करते हैं, पैर वहीं रहेंगे और इसमें हम करें वन, ये जितना आपके प्लैंक में ये कोर मसल्स पे फर्क पड़ेगा, और पैर को बाहर निकालते ये चीज कब होगी? आओ ध्यान से चलेंगे, बिल्कुल पहले वॉक, पैरों को स्टिल रखेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे। हाँ रोको, पहले इसे रोको जरा सा। हाँ ध्यान से देख लीजिए, अब एक पैर को बाहर निकालो, बस स्ट्रेच को फील करो बदन ऊपर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बीच में 5 सेकंड रोकेंगे, सामने देखो और ज्यादा ये हिप ऊपर नहीं होनी चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव, दूसरी तरफ। बिगनर्स के लिए नहीं एक्सरसाइज, जो हमारा चैनल अभी 10-15 दिन से देख रहे हैं या जूम पे जो 10 दिन हुआ है, बैक पेन में नहीं कर सकते। काजल जी नौ बैक पेन में आप यवली कीजिए ना, जिनको जो बिगनर्स है वो यवली कीजिए, यवली। तुम एक एक बार और करो, बिगनर्स जो 80-90 के जी है जिनका वजन, वो यवली करेंगे, इसीलिए मैं दोनों तीनों बता रही हूँ। तो ये संभाल के कि किस एज में आपको किस प्रॉब्लम में क्या करना है, माइक आ गया। हाँ किस एज में क्या करना है ये बात देखनी बहुत जरूरी है। कृपया वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कृपया लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जूम ऑनलाइन क्लासेस द्वारा, जो कि फुल 90 मिनट सेशन होता है, जिसके अंदर प्राणायाम एक्सरसाइज मेडिटेशन कराई जाती है योग गुरु इंदु मैम द्वारा, तो हमसे संपर्क करें इन नंबर्स पे, इन नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं जूम ऑनलाइन क्लासेस। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। रजिस्टर करें आज ही हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके पास लेकर आएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, हमें एनालिटिक्स में पता लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखते रहें, स्वस्थ रहें, अंत से।